हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रूकॉलर से अपना नाम और नंबर परमानेंट कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपका ट्रूकॉलर में अकाउंट बना हुआ है तो आपको पता ही होगा कि आपकी थोड़ी बहुत डिटेल बाकी लोग भी देख सकते हैं। तो गाइज कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रूकॉलर में आपने गलत नाम ऐड कर दिया हो और फिर आप उस नाम को डिलीट करना चाहते हो, या फिर आप परमानेंट ही ट्रूकॉलर से अपना नाम और नंबर डिलीट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रूकॉलर से नाम और नंबर डिलीट करना है। तो गाइज ट्रूकॉलर से अपना नाम और नंबर डिलीट करने के लिए ट्रूकॉलर ऐप को ओपन कर लें, फिर इन थ्री लाइन में क्लिक कर दें, उसके बाद सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक कर दें, फिर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो फिर आप इस प्राइवेसी सेंटर के ऑप्शन में क्लिक कर दें, फिर आपको नीचे डीएक्टिवेट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस डीएक्टिवेट में क्लिक कर दें, फिर यहाँ कुछ लिख कर आएगा कि अगर आप डीएक्टिवेट करते हैं तो आप अपने नाम को ट्रूकॉलर ऐप में कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो आप यस में क्लिक कर दें, फिर थोड़ा लोडिंग लेगा, फिर ऑटोमेटिक ही आप ट्रूकॉलर ऐप से लॉग आउट हो जाओगे। तो गाइज अभी आपका नाम और नंबर डिलीट नहीं हुआ है, अभी एक और स्टेप करना पड़ेगा, तब आपका नाम और नंबर ट्रूकॉलर से परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अभी सिर्फ ट्रूकॉलर से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है और अभी ट्रूकॉलर से नंबर अनलिस्ट करना बाकी है। तो ट्रूकॉलर से नंबर अनलिस्ट करने के लिए कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लें। मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूं, फिर सर्च करना है www.truecaller.com/unlist। फिर आप इस पेज में आ जाएंगे, आपको इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर आपको यहां तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ फ़ोन नंबर का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर अपना वो फ़ोन नंबर डाल दें जो आप ट्रूकॉलर से हटाना चाहते हो। याद रखना कि यहाँ पर फ़ोन नंबर अपने कंट्री कोड नंबर के साथ टाइप करना है, जैसे इंडिया का +91 है, तो आप पहले यहाँ पर +91 टाइप करोगे, उसके बाद अपना नंबर टाइप करना है। तो मैं नंबर टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पर नंबर टाइप करने के बाद आप इस आई एम नॉट ए रोबोट में क्लिक कर दें, उसके बाद कैप्चा शो करेगा, तो आप कैप्चा फिल कर लेना। जैसे मेरे में ट्रैफिक लाइट को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं ट्रैफिक लाइट्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये कैप्चा हर बार चेंज होते रहते हैं, इसलिए आपको कुछ और चीज़ सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप कैप्चा फिल कर लेना। कैप्चा फिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइज मैं कैप्चा फिल कर चुका हूँ, तो कैप्चा फिल करने के बाद आप इस अनलिस्ट फ़ोन नंबर में क्लिक कर दें। फिर आपका नंबर ट्रूकॉलर से अनलिस्ट हो जाएगा। नीचे कुछ लिख कर आएगा कि नंबर रिमूव करने में 24 घंटे तक का समय लग सकता है, लेकिन नंबर तुरंत ही ट्रूकॉलर से रिमूव हो जाता है। अब आप अगर दूसरे फोन से ट्रूकॉलर में अपना नंबर सर्च करोगे तो कुछ भी शो नहीं करेगा, क्योंकि आपका नाम हट चुका है। तो गाइज अगर आप दोबारा से ट्रूकॉलर में अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप ट्रूकॉलर ऐप को डाउनलोड कीजिए और साइनअप का प्रोसेस फॉलो कीजिए, आपका फिर से ट्रूकॉलर में अकाउंट बन जाएगा। तो गाइज आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।